बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिजम्स का एक टॉपिक करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है, फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को समझना होगा। उसके नाम से हमें डिनोट होता है कि ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का नाम है। तो इसका मतलब है द मूवमेंट यानी हरकत ऑफ सब्सटेंसेस। अब वो सब्सटेंस जो है कोई फूड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, हर चीज़ हो सकता है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, बहुत सिंपल है। समझने की कोशिश करें कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेस ए है और यहाँ से एक सब्सटेंस मूव करता है और वो आता है प्लेस बी की तरफ, तो ये हुआ हमारे पास ट्रांसपोर्ट। यानी किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो ये तो हुआ ट्रांसपोर्ट का डिफिनीशन। अब ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम सिंपल टू डिफ़िकल्ट जाते हैं, यानी सिंपल ऑर्गेनिजम्स से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? जैसा कि ग्रीक लैटिन जुबान में यूनि कहते हैं सिंगल को, और इट मीन्स वन, ठीक है। तो एक सेल से बने ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एक सेल से यानी सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब इनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उससे पहले हम ले लेते हैं एक एग्जांपल किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल वेल पॉपुलर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो ले लेता हूँ, अमीबा, ठीक है। तो अमीबा का एक छोटा सा मैं डायग्राम बना लेता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है बनाना, क्योंकि यहाँ इसके सुडोपोडिया होते हैं और बीच में इसका एक न्यूक्लियस होता है, इर्द गिर्द न्यूक्लियस के हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है और यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के वैक्यूल्स होते हैं जिनको मैं बाद में समझाऊँगा कि इनका क्या काम है, ठीक है। तो अब या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस अमीबा को अगर कोई चीज़ चाहिए, लेट सपोज़ इसको O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन सिंपली हायर कंसंट्रेशन से, क्योंकि ये इन्वायरमेंट है और यहाँ पर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। अब अमीबा को ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, ठीक है। तो जब कम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ कोई मॉलिक्यूल्स जाए, खासकर गैसियस मॉलिक्यूल, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन का डिफिनीशन करना बहुत आसान है। किस तरह है कि द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। इसका एग्जांपल आपने बहुत सुना होगा, परफ्यूम इसका एग्जांपल है। अगर हम कमरे के एक कोने में परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे करें तो वो कमरे में मौजूद जितने भी पर्संस होंगे या किसी और कोने में उस कमरे में, वो परफ्यूम वो सूंघ सकता है क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन लो होता है और जहाँ आपने वो परफ्यूम किया होता है उधर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर इनका जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है अमीबा का, ये सेल मेम्ब्रेन ये सेमी परमिएबल होता है, तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे पास सिंपली डिफ्यूज़ हो जाता है अंदर की तरफ और इस्तेमाल हो जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है, वो थ्रू वैक्यूल्स हैं। यहाँ पर अगर कोई फूड मॉलिक्यूल है, सपोज अमीबा का जो भी खुराक है, यहाँ पर कोई फूड मॉलिक्यूल है, तो इसका जो ये सीडोपोडिया है या इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इसके इर्द गिर्द आ जाता है और इसको इनगल्फ कर लेता है अंदर की तरफ। जब ये अंदर की तरफ इनगल्फ हो जाता है
तो फिर यहाँ पर ये फूड यहाँ अंदर आ जाता है, जब अंदर आ जाता है तो फिर इसको फूड वैक्यूल की तरफ लिया जाता है। अब वैक्यूल के हमारे पास दो किस्म है, एक होता है फूड वैक्यूल, एक होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल वो वैक्यूल होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में इस अमीबा की मदद करता है। किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर फूड वैक्यूल हो तो उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? उस फूड को अमीबा के लिए हजम करके उसमें से एनर्जी निकाल लेते हैं। अब ये तो जाहिर है कि एनर्जी तो ली गई, लेकिन कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी आए होंगे, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तैयार हुए होंगे। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को ठिकाने लगाने के लिए इस अनडाइजेस्टेड फूड को लिया जाता है और दिया जाता है किस चीज़ को? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को। अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या है? इट एक्ट एज अ डस्टबिन। ठीक है, जिस तरह हम कूड़े को डस्टबिन में फेंकते हैं, इस तरह वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स डस्टबिन यानी अपने आप में ले लेते हैं और फिर उसको एक्सक्रीट करते हैं आउट ऑफ द बॉडी। तो ये हुआ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ गए, या तो डिफ्यूजन के ज़रिए, ठीक है, और या फिर फूड वैक्यूल्स के ज़रिए। तो यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने जान लिया कि किस तरह चीज़ों की जो चीज़ें उनको चाहिए वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ठीक है, सो उम्मीद है आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।